नाजरीन आज जावेद भाई और इफ्तिखार भाई से पूछते हैं आज कहाँ घूम रहे हैं। जावेद भाई, इफ्तिखार भाई, ये कौन सी जगह है? हाईवे से जब अंदर हम आते हैं तो रास्ते में एक झील है, समुंदर का ये पार्ट है कटा हुआ, तो उसको अर्जना का नाम दिया गया। ये बड़ी खूबसूरत झील है, इस पर अक्सर इधर लोगों ने हमें बताया है, तो आज हमने वो देखा भी। तो इस पे समुंदर का हिस्सा है जहाँ पे समुंदर का पानी ही मीठा है। अच्छा, वहाँ भी अभी हम कोशिश करेंगे कि जाएंगे और आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कि वो जो मीठा समुंदर है वो भी आपको दिखा सकें। ये अगर दिखाएं कराची के लोगों को दिखाएं कितना ज़बरदस्त समुंदर है। जैसे हसन शाह, अब्दुल्ला शाह गाजी है रहमतुल्ला, कमाल शाह रहमतुल्ला है, ऐसे ही ये अर्जना झील है, समुंदर का एक ये पार्ट है, अर्जना झील का नाम दिया गया यहाँ पे। ये गारों से थोड़ा पहले आता है कोस्टल हाईवे पे। कोस्टल हाईवे पे जाइए नाजरीन, जितना देखा गया इफ्तिखार भाई ने आपको बताई डिटेल्स सारी यही है कि हम यहाँ कोस्टल से आए हैं और अर्जना के नाम से ये कहलाता है इलाका, एरिया जो नाम है। ये समंदर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कश्तियाँ भी हैं और फिशरमैन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अपना गुजर सफ़र कर रहे हैं और शिकार भी लोग करने आते हैं मछली का। यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त शिकार होता है, तो हम कराची से यहाँ ट्रेवल करके यहाँ पर आए हैं। इफ्तिखार भाई हैं, नवाज है, इकराम दीन है और मूसा हमारे कैमरा मैन साथ में हैं, तो आप देखते हैं बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है, बड़ा मज़ा आया। मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह, देख सकते हैं ये कि समंदर का नज़ारा है अपना। आज समंदर भी प्यारा, मौसम भी प्यारा, माहौल भी प्यारा और यहाँ पे आगे एंजॉय किया जा सकता है विद फैमिली के साथ। और आपने एक चीज़ तो सुनी होगी कि सिंधी लोग जो है मेहमान नवाज हैं, तो जब यहाँ पे आएंगे अपना साथ आप खाना लेके आएंगे तो यहाँ से ये सिंधी बरादरी के लोग हैं, ये भी मेहमान नवाज हैं, ये भी आपकी खिदमत करेंगे, एक दफ़ा ज़रूर इधर आए, चक्कर लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मछली पल्ला सब खिलाएंगे। रीवो अपनी लानी है, मछली पल्ला यहाँ से मिलेंगी आप। ठीक है, ठीक है।